जी। अरे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, थैंक यू। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स कह रहे हैं फ्री में क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ये बैंक समय समय पर फ्री में क्रेडिट कार्ड ऑफर्स क्यों करते रहते हैं? तो ले लो ना, दिक्कत क्या है यार, बहुत झमेले हैं, ये कंपनियां डेब्ट ट्रैप में फंसा देती हैं। ऐसा नहीं है, स्मार्टली इस्तेमाल करो तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो चलो आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ज़माना तो पैसे का ही है। जब आप जेब में रखे वॉलेट को चेक करते हैं तो उसमें कम होते रुपए को देखकर आप पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि बटुआ हल्का हो रहा है, और आप उस हिसाब से ही अपने खर्चे को मैनेज करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड रखने पर आप लिमिट से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे आप कंपनी के डेब्ट ट्रैप में फंसने लगते हैं। NITF अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी से इस बात की पुष्टि हुई है। चलो माना, लेकिन डेबिट कार्ड के फायदे भी तो देखो। इसे आप इमरजेंसी में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत भी होगा, जो हाउसिंग लोन लेते वक्त बहुत फायदेमंद होगा। इससे बैंक आपकी प्रोफाइल के बारे में जान पाती है और आसानी से आपको अधिक लोन देती है। क्रेडिट स्कोर सेट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, अनपेड क्रेडिट कार्ड डेब्ट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, टाइमली पेमेंट जैसी बातें शामिल हैं। टाइमली पेमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर टाइमली पेमेंट का हमेशा ख्याल रखते हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट का क्या? यहाँ वही इंटरेस्ट लगेगा जो आपको लेट पेमेंट करने पर लगता है। गलती से भी अगर आप कैश विड्रॉ करने के लिए डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस उनको लगते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का। क्रेडिट कार्ड की वजह से कार्ड होल्डर को 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। कार्ड की 30 दिन की बिलिंग साइकिल है और उसके 20 दिन बाद उसका बिल पे करना है। मान लीजिए जैसे कि बिलिंग साइकिल के पहले दिन पर ही कोई ट्रांजैक्शन किया गया हो तो 50 दिनों के लिए उससे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। प्लस कंज्यूमर अगर टाइम पर पे करता है तो उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अब 50 दिन में जो उसके पैसे खर्च होने वाले थे वो उसे लिक्विड फंड में रख सकता है। उस पैसे से वो इंटरेस्ट कमा सकता है। इंटरेस्ट भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो लोगों को जब क्रेडिट कार्ड मिलता है तो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट 1-2% है। यह काफी रीजनेबल लगता है ना? लेकिन गौर करें तो ये इंटरेस्ट ईयरली नहीं मंथली होते हैं। तो अगर पर मंथ 2% इंटरेस्ट हो तो ईयरली 24% इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपका पेमेंट एक दिन के लिए भी लेट होता है तो बैंक इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक दिन के लिए नहीं लगाता, बल्कि पूरे 50 दिन के लिए लगाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ योर ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ योर पेमेंट, बैंक्स का यही तो फायदा है। तो वो सोचते हैं कि चलो इसे क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ग्राहक कभी ना कभी एंड तक बिल पे करने के लिए रुकेगा और फिर भूल जाएगा, और यही भूलने की गलती वो करेगा इसका फायदा बैंक उठा लेगा। इससे बचने के भी कई तरीके हैं। आप ऑटो पे का ऑप्शन चुन सकते हैं, आप कैलेंडर रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, या आप क्रेड ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है, क्रेड सिर्फ उनके लिए है। ये आपके सारे क्रेडिट कार्ड की रिमाइंडर्स सीधे आपको व्हाट्सएप पर भेजेगा और हिडन चार्जेस भी बताएगा, तो ग्राहक का ड्यू डेट मिस होने का कोई चांस नहीं होगा। ई कॉमर्स कंपनी कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनी से टाई अप करते हैं और कैशबैक ऑफर्स भी लाते हैं। प्लस कुछ तो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे IRCTC क्रेडिट कार्ड, जिससे जब आप ट्रेन बुकिंग करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक मिलता है, कुछ ऑफर्स डिस्काउंट भी मिलते हैं। लेकिन आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उन्हें आप अनएक्सपेक्टेड बोनस की तरह समझें, उन पर रिलाय ना करें। क्रेडिट कार्ड का एक और फायदा भी है, और वो है मेडिकल इमरजेंसी। तो अगर कंज्यूमर की क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये है तो उसे 50,000 की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मिलती है।
जो वो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। एक नुकसान भी है और वो है एनुअल मेंटेनेंस फीस। काफ़ी कंपनियां आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड देती हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगने लगते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको कार्ड पर एक मिनिमम स्पेंडिंग करनी पड़ती है और अगर वो मिनिमम स्पेंडिंग आपने नहीं की तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भरने पड़ेंगे, आपको पसंद आए या ना आए। तो आप ना चाहकर भी ज्यादा स्पेंडिंग करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्रेडिट कार्ड लेना सही है या नहीं? आपके सामने सभी जरूरी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इन्हें दोबारा देखें और अपना फैसला खुद लें। और आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।